मामले को मैंने सदन में उठाते समय आप हमारा निकाल के 6 फरवरी का जो मेरा वर्जन है उसको देखने का काम कीजिएगा। उसमें साफ कहा था कि नहीं का एसओ यहाँ को तस्करी करा रहा है, शराब की तस्करी करा रहा है। दोस्तों, बलिया के नरही थाना में पिछले दिनों जो भी हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा था। सोचिए, यूपी बिहार बॉर्डर पर रात में दलालों के साथ यूपी पुलिस के जवान अवैध वसूली कर रहे थे कि अचानक एडीजी वाराणसी जोन ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद एडीजी को पूरा का पूरा थाना ही सस्पेंड करना पड़ा, जो वाकई पूरे पुलिस विभाग के लिए चिंतन का विषय है। अब इससे ज्यादा तगड़ी बेइज्जती और क्या होगी कि अपने ही लोग नाक के नीचे गुल खिला रहे थे और ऊपर बैठे अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि ये सब कब से चल रहा था? क्या किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी या सब पट्टी बांधे चैन से इस कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे? अब जरा इनसे मिलिए। ये है फेफना विधानसभा से सपा के विधायक संग्राम यादव, जिनके अंडर ये एरिया आता है। इन्होंने ये मामला 6 फरवरी 2024 को ही विधानसभा में उठाया था। बकायदा उस दौरान उन्होंने सबके सामने कहा था, तो ये बस्ती है, बिहार के बॉर्डर पर छुट्टी है, एक नरही थाना है हमारा इस राम राज्य में। नरही का प्रभारी स्वयं तस्करी कराता है, शराब की तस्करी कराता है, अवैध बालू का खनन कराता है, और जो बालू गरीबों के लिए उपलब्ध होता है मकान बनाने के लिए बिहार से आता है, इस पर पुलिस का टैक्स लगा करके और कहता है मुझे कोई हटाने वाला नहीं है क्योंकि मैं तो इंचे से ऊपर तक पैसा देता हूं। वो किसको देता है वो जाने, दरोगा जाने और ऊपर के लोग जाने। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, इस तरह के टैक्स न लगा करके गरीबों की सहूलियत पैदा की जाए ताकि वो अपने मकान बना सके। तो विधायक ने यह आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी को इतना यकीन था कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकता क्योंकि वो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पैसा देता है। खैर, हाल ही में एडीजी की इस कार्रवाई पर सपा विधायक ने कहा, पिछला विधानसभा जब चल रहा था तो मेरे द्वारा 6 फरवरी को सदन में सरकार के सामने नरही थाने के विशेष इस मामले को मैंने सदन में उठाते समय आप हमारा निकाल के 6 फरवरी का जो मेरा वर्जन है उसको देखने का काम कीजिएगा। उसमें साफ कहा था कि नरही का एसओ यहाँ को तस्करी करा रहा है, शराब की तस्करी करा रहा है, बालू का खनन करा रहा है और लाल बालू जो बिहार से आ रहा है उसके ऊपर पुलिस टैक्स लगा करके और लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। बीच हमारे मर गए, ये बात हमने अधिकारियों से मिलकर भी कहा था तो अधिकारियों ने जाकर केवल जांच की लीपापोती करके सरकार को गुमराह करने का काम किया था। बताइए, पुलिसिया टैक्स कहकर ये थाना आने जाने वाले ट्रकों से करोड़ों रुपए कमा लेता था और सरकार और पुलिस विभाग को इसकी भनक भी नहीं थी। खैर, सपा विधायक का कहना है कि ये कार्रवाई बहुत छोटी है, इस पर बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। अब आइए चर्चा करते हैं कुछ गंभीर सवालों पर, क्योंकि इस मामले के बाद बेहद बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, इस थाने की शिकायत कब से आ रही थी? सरकार और पुलिस प्रशासन ने देरी क्यों की? दूसरा सवाल, फरवरी में हुए विधानसभा सत्र में विधायक ने उजागर किया था ये मामला, सरकार ने आखिर देरी क्यों की? तीसरा सवाल, क्यों सरकार और पुलिस प्रशासन को ये एक्शन लेने में 6 महीने लग गए? चौथा सवाल, थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से एक्शन पूरा हो गया? पांचवा सवाल, करोड़ों रुपए के आरोपों पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? छठवां सवाल, विधायक के आरोप जिसमें उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक पैसा बांटने को कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी? सातवां सवाल, अब आगे ऐसा ना हो इस पर सरकार और पुलिस प्रशासन क्या करने वाला है? बहरहाल, आपको बता दें कि 24 जुलाई को बलिया में पुलिस महानिरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की। नरही थाना क्षेत्र के यूपी बिहार की सीमा पर ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए एडीजी ने कई पुलिस कर्मियों और दलालों को पकड़ा और उनके पास से नकदी भी बरामद की। इसके बाद से इस मामले ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बलिया से अनिल अकीला की रिपोर्ट, यूपी तक।